Hello students, in this video I am going to discuss about electron transfer reaction. अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर नोट्स चाहिए या लेक्चर्स चाहिए या फिर आपको कोचिंग चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं. देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक रह गया. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. तो इसमें होते तो वैसे दो पार्टिसिपेंट्स हैं. मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ जो इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको पता होना जरूरी है. इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे, टू नेगेटिव जो साइन है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का साइन है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का नहीं. लोग ना इसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि नेगेटिव चार्ज लगा है तो शायद इसने इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं. नहीं, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स पाए थे, दैट्स व्हाई यहां पर टू नेगेटिव था एंड वन पर पहुंच गया तो क्या हो गया, इसका लॉस हो गया. जब भी कोई कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है आफ्टर द रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को पा लेता है आफ्टर द रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है रिडक्शन. सो इस दोनों रिएक्शंस में आपने क्लियर रहना है. अब आपको लगता है कि इसमें जो एजेंट यूज हुआ जिसकी वजह से रिएक्शन हुई है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. नहीं, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसी ने भी ये रिएक्शन करवाई है उस एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वहां पर किसकी वजह से हुई है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑपोजिट. समझ आई? तो यहां पर ना ये रिएक्शन एक तरीके की ऐसी है कि एक बंदा अमीर होता है उसके साथ वाला गरीब होता है, बट पता ही नहीं क्या गेम चलती है, भगवान का क्या कृपा होती है कि जो अमीर है वो गरीब हो जाता है एंड जो गरीब है वो अमीर हो जाता है. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो आयरन साइनाइड के ऊपर फोर नेगेटिव चार्ज था. पहले उसके पास ज्यादा थे एंड साथ वाले के पास कम थे, थ्री थे. बट आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसमें क्या हुआ कि जो आयरन साइनाइड फोर नेगेटिव वाला था उसके ऊपर थ्री नेगेटिव आ गया एंड जो थ्री नेगेटिव वाला था उसके पास फोर नेगेटिव, मतलब कम वाले को ज्यादा मिल गए. ठीक है, समझ आई? इट्स अ ट्रिक. उसके बाद मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती है ना वो दो तरीके की होती है, इनर स्फीयर रिएक्शंस एंड आउटर स्फीयर रिएक्शंस. इनर स्फीयर में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जो है वो एक लिगेंड को शेयर करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो एक लिगेंड रखते हैं जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनाता है. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो उसी से होंगे, और कोई रास्ता नहीं था उनके पास कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर शिफ्ट करें, तो वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो एक एग्जांपल बताऊं, एक अपना ही घर का बंदा है ना, पहले वो ब्रिज बनाता है, पहले आपस में वो जोड़ता है, फिर वो खुद भी उसके साथ टूटकर दूसरे के पास चला जाता है. ठीक है, ये चीज होगी. अब यहाँ पर एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके पास ब्रिजिंग लिगेंड है जो दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ, मेटल लिगेंड के साथ, उस पहले तो जोड़ेगा, फिर जब रिएक्शन कंप्लीट होगी वो खुद भी साथ निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा, उसके पैसे सारे उसको दे देगा. तो इसमें क्या कंडीशंस हैं? एक कॉम्प्लेक्स लेबाइल हो, एक कॉम्प्लेक्स इनर्ट हो. लेबाइल एंड इनर्ट की वीडियो भी मैं लिंक में दे दूंगी, देख लेना अगर नहीं पता है तो. इनर्ट कॉम्प्लेक्स शुड हैव वन लिगेंड जो क्या है, ब्रिज हो. कंडीशंस पूछी गई हैं, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, बताओ कि इनर है या आउटर है. आप देखोगे कि एक कॉम्प्लेक्स अगर इनर्ट है, दूसरा लेबाइल है, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? इनर हो सकती है. इसमें ब्रिजिंग ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है, हो सकती है, मतलब ऐसे आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए. अब जो लिगेंड ट्रांसफर करेगा वो गुड इंडिकेटर होगा इनर स्फीयर मैकेनिज्म में, एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म ही फास्टर मैकेनिज्म होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मोर देन द आउटर स्फीयर रिएक्शन जो है वो स्लो होता है. यहां पर आप एग्जाम्पल देखिए, जो कोबाल्ट है एंड क्रोमियम है. कोबाल्ट जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है एंड जो क्रोमियम है वो हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स है. तो जैसे मैंने बताया था कि इनर्ट के पास एक ऐसा लिगेंड होता है, ऐसा बंदा होता है जो पहले तो ब्रिज बनाएगा, बाद में खुद ही निकल जाएगा. देखो क्लोरीन जो था वो कोबाल्ट के साथ था ना, जो वो निकल कर कहां चला जाएगा? वो क्रोमियम के साथ निकल जाएगा. मैं मैकेनिज्म में आपको समझा दूंगी, मतलब एट द रिजल्ट क्या होगा, जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल बन जाएगा एंड जो लेबाइल था वो क्या बन जाएगा? इनर्ट बन जाएगा. क्लियर? मैकेनिज्म देख लेते हैं, यहां समझ आ जाएगा आपको. कोबाल्ट है, ये इनर्ट है कॉम्प्लेक्स एंड साथ वाला लेबाइल है. अब कोबाल्ट वाले इनर्ट के पास एक ब्रिजिंग लिगेंड है जिसको हम क्लोरीन देख पा रहे हो यहां पर सेंटर में. ये ब्रिजिंग लिगेंड है जो क्रोमियम को
एंड कोबाल्ट को आपस में जोड़ रहा है। वैसे तो वो अलग अलग थे लेकिन इसने इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, जिसकी वजह से जुड़े हैं, इसको हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड ये जो ब्रिज इंटरमीडिएट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनर स्फीयर मैकेनिज्म में ही बनता है। उसके बाद अब इनकी ब्रेकडाउन होगा, ये डिसोसिएट हो जाएंगे। अब जो क्लोरीन था, देखो कितनी दुख की बात है ना, वो इनर्ड के साथ था, अब वो किसके साथ निकल गया, लेबाइल के साथ निकल गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी ले गया वो साथ में, है ना। तो जो इनर्ड था उसने क्या किया, खुद चला गया, उसको लेबाइल कर गया, एंड जो लेबाइल था उसको इनर्ड कर दिया, एंड रिजल्टेंट में हमारे पास आप देख सकते हो जो इनर्ट था वो लेबाइल हो गया, एंड लेबाइल जो है इनर्ट हो गया। पहले जो सेंटर में क्या बना था, ब्रिज इंटरमीडिएट, जो सिर्फ इनर स्फीयर मैकेनिज्म में बनता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आ रहा है, बट थोड़ी सी रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड आपको कहीं कहीं से लग सकती है, तो आपने बिल्कुल भी इस चीज को माइंड में नहीं लेना कि हाँ कैसे समझेंगे, वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएगा। दोबारा देखने पर भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देख लीजिए, ये रिजल्टेंट है, ये लेबाइल बन गया और दूसरा इनर्ट बन गया। अब होता था आउटोस्फीयर मैकेनिज्म में भी सेम है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ। यहां पर आयरन कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव था, 3 नेगेटिव रह गया। मॉलिब्डेनम वाले में 3 था, 4 हो गया। हुआ सब वही है लेकिन थोड़ा प्रोसेस में डिफरेंस है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें ये चीजें का कंडीशंस होता है, रिक्वायरमेंट्स होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, एंड एनर्जीज जो है वो सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल सेम हो, बॉन्ड लेंथ भी सेम हो, ये चीजें मैटर करती है। उसकी कंडीशंस अलग थी, उसमें था कि एक रिएक्टेंट इनर्ट हो, एक रिएक्टेंट लेबाइल हो, ठीक है, एंड उसमें तभी इनर्ट में एक ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटोस्फीयर रिएक्शंस में क्या होता है कि बोथ कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर सिर्फ इनर्ट का लिगेंड ही पार्टिसिपेट कर सकता था, इसमें दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई ये रिएक्शन स्लो हो जाती है। अब इसमें जो स्टेप्स होते हैं ना, वो स्फेयर्स में होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स में होते हैं। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पहले क्या करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, उसको हम प्रिकर्सर कहते हैं। प्रिकर्सर फिर देन एक्टिवेट होता है, जिसमें और सॉल्वेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है, चार्ज आने के बाद वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन में। ये इसके स्टेप्स हैं। वैसे आपने वो रिएक्शंस ही आउटोस्फीयर मैकेनिज्म में लिखनी है जो मैंने आयरन वाली बोली थी। आप स्टार्टिंग में ये वाली चीजें लिख सकते हो, बट एंड उसी रिएक्शन से करोगे। अगर नहीं क्लियर तो पूछ सकते। सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।